हाय नमस्कार, आज मैं मेरी लड़की मिशेल साथ में कहानी सुनाने बैठे हैं। सबसे पहले धन्यवाद करेंगे उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए, ताकि हम आपको फिर एक नई कहानी बताते रहें आगे। और आज की कहानी सुनाने से पहले फिर दो शब्द जरूर कहूँगा कि अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। पर बुरे लोगों को ईश्वर देता बहुत कुछ है पर साथ कभी नहीं देता। इन्हीं शब्दों के साथ एक कहानी सुनाता हूँ। एक अध्यापक था, हम जैसा ही एक अध्यापक था, और बड़ी मुश्किल से उसकी जॉब लगी थी गवर्नमेंट में। तो उसने सोचा कि यार अब मेरे पे जॉब लगी है, काफ़ी दूर विद्यालय है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता हूँ और उस पैसे के हिसाब से मैं फिर एक छोटी सी बाइक ले लूँगा, और बाइक लूँगा तो फिर मैं अपना आना जाना उससे करूँगा, क्योंकि उसको काफ़ी चलना पड़ता था। तो भैया, उसने भी अपनी सैलरी से 1500 रुपये जमा करने शुरू किए। कुछ समय बाद उसके पैसे जमा हो गए और उसने एक बाइक ले ली। अब वो जब बाइक ले ली तो उस बाइक लेने के बाद उसने उस बाइक से स्कूल आना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह स्कूल आता, तो स्कूल आने के बाद जब वो घर जाने लगता तो अब गांव वालों को ये लगता कि यार माँ साहब तो बाजार तक जा ही रहे हैं, तो अक्सर उनको ऐसा होता कि माँ साहब के साथ लिफ्ट ले लेते हैं, हम भी बाजार तक चले जाएंगे। तो हमेशा जब भी वो माँ साहब स्कूल आते और माँ साहब स्कूल से जब घर की ओर जाते तो उनके लिए पास एक ना एक या एक दो आदमी वहाँ पर बैठे रहते ताकि हम भी माँ साहब के साथ फ्री में बजाता चले जाएं। और वो माँ साहब को भी बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो अकेले जाने से मैं भी बचूंगा, इतना बड़ा रास्ता है तो मैं भी इन लोगों के साथ, ये लोग मेरे संग बैठेंगे तो रास्ता कट जाएगा, ये भी अपनी मंजिल में पहुँच जाएंगे, मैं भी शाम को अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो यही रूटीन था, यही चल रहा था। अब एक दिन हुआ क्या कि वो माँ साहब तो स्कूल आए सुबह और स्कूल में पढ़ाया वढ़ाया, और जब घर को जाने लगे तो आधे रास्ते पर देखा उन्हें कोई भी नहीं था। आज गांव में उनके साथ जाने वाला कोई भी नहीं था। माँ साहब बड़े दुखी कि यार आज तो कोई भी नहीं है, चलो अकेले जाना पड़ेगा। पर जैसे ही रास्ते में पहुँचते तो एक आदमी मिल गया उनको। आदमी मिला तो माँ साहब ने फिर अपनी बाइक चलाई और उसके सामने रोकी, तो उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, तो वो भी बैठ गया। अब वो बैठ गया तो कुछ समय बाद जैसे जंगल वाला इलाका शुरू हुआ, वो मुसाफिर ने एक चाकू निकाली और माँ साहब के पीठ के पीछे लगा दी, कहा कि माँ साहब गाड़ी रोको, ये गाड़ी तो अब मैं ले जाऊंगा। तो माँ साहब बड़ा परेशान हो गई, यार ये गाड़ी ले जाएगा तो मैं क्या करूँगा भाई। तो खैर जान से बड़ी तो ना दी, माँ साहब ने कहा जान से बड़ी तो है नहीं ये गाड़ी ले जाए। फिर उसने कहा ठीक है मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, इसमें चाकू वाकू मत दिखाइए, मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, लेकिन किसी से ये मत कहना कि मैं ये गाड़ी आपको आप चुरा के लाए हो, वरना लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जिन पर मैं विश्वास करके यहाँ से लोगों को बाजार तक ले जाता हूँ, उन लोगों का विश्वास हट जाएगा, टूट जाएगा, तो ये किसी से मत कहना कि मैं चोर के लेके आया हूँ। तो चोर को लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये किसी से कहना नहीं है कि मैं चोर के लेके आया हूँ, सबसे ये कहना है कि यार मैं मुझे गाड़ी ले ली, मैं भी ये कहूँगा कि मेरे ने गाड़ी बेच दी। मास्टर कहता है कि मैं भी ये कहूँगा, मैंने भी गाड़ी बेच दी, तुम भी ये मत कहना कि मैं चोर के लेके आया। तो वो भी कहता है कि ठीक है, वो भी थोड़ी देर गाड़ी पकड़ता है, ले जाता है और फिर वो चले जाता है बाजार की ओर। और माँ साहब जैसे तैसे घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के अपने भगवान से कह रहे होते हैं कि यार भगवान क्या किया तूने, भी एक गाड़ी दी थी, बड़ी मुश्किल से गाड़ी जोड़ी थी और ऐसा सब कुछ हो गया। खैर कोई नहीं, देखेंगे आगे क्या होता है। तो अब वो चोर जब वो गाड़ी को ले जा रहा होता है, जंगल में रुकता है, तो कह रहा है यार माँ साहब तो बड़े सज्जन आदमी थे, यार उनने मुझे गाड़ी ऐसी दे दी, कुछ कहा भी नहीं और ऐसे ले जा कहा। और एक भाव तो उस चोर के दिल में आ ही गया था कि माँ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और उनने मुझे गाड़ी ऐसे ही दे दी करके। खैर चोर तो चोर था, उसने कहा लेकिन मेरे पेट से बड़ी, मैंने भी तो अपने बच्चों का पेट पालना है, भले चोरी करके पाल लूँ लेकिन मैंने भी तो अपने बच्चों का पेट पालना है। वो चोर ले जाता है। अब चोर ले जाता है भैया, तो माँ साहब भी दूसरे दिन सो के उठते हैं, अपने बगीचे में ब्रश व्रश कर रहे होते हैं पेड़ के सामने, तो वहाँ देखते हैं वही गाड़ी दोबारा पड़ी हुई है, वही बाइक दोबारा आ जाती है। तो वो बाइक जब दोबारा देखते हैं तो उसमें चोर ने एक चिट्ठी लिखी होती है,
बहुत सी मतलब अच्छी सी जिसमें चिट्ठी लिखी होती है और पैक करके रखी होती है। जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो वहाँ सब बहुत मुस्कुराते हैं, वहाँ से बहुत तरीके से मतलब कहते हैं यार ये क्या है, इसमें क्या क्या लिख रखा है। वो कहता है उस चोर ने लिखा होता है, वहाँ साहब एक गाड़ी नहीं अमिताभ बच्चन है, इसको तो हर कोई जानता है ना। तो कहता है क्या है, ऐसा क्या है। तो वो चोर ने लिखा होता है, वहाँ साहब मैं कबाड़ी के पास गया, कबाड़ी वाले से कहा कि ये गाड़ी तू रख ले भाई, तोड़ ताड़ दे इसको। तो कबाड़ी कहने लगा ये तो माँ साहब की गाड़ी है, तू गिर पा कैसे आई। तो मैंने उससे जैसे तैसे बहाना बनाया, मैंने कहा कि मैं तो ऐसे ही ले आया था यार, मैं माँ साहब को काम के लिए आया था, मैं सोच रहा हूँ तुम पहचानते नहीं पहचानते गाड़ी और क्या करते हो। तो मैं माँ साहब को काम से माँ साहब ने भेजा था मुझे, मैं उनका काम करके वापस गाड़ी छोड़ जाऊँगा। फिर मैं वहाँ गया कि भूख लगी उसको, तो कुछ खाने के लिए गया हलवाई वाले के पास। तो हलवाई कहने लगा ये माँ साहब की गाड़ी तुम लेके क्या कर रहे हो। तो हलवाई वाले ने भी आपकी गाड़ी पहचान ली। फिर मैं चौराहे में गया पुलिस वाले मिले, तो पुलिस वाले भी कहने लगे तू भाई माँ साहब की गाड़ी लेके कहाँ घूम रहा है। तो मुझे बड़ी परेशानी हो गई, भाई साहब इस गाड़ी को तो हर कोई जानता है, ये गाड़ी तो ऐसा हो गया कि बॉलीवुड की कोई मूवी हो गई है, इस गाड़ी को माँ साहब आप ही पकड़ो और ये गाड़ी मुझसे नहीं रखी जाएगी, वो गाड़ी वापस कर जाता है। कहानी बहुत छोटी सी है, कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। यही मैंने शुरू में कहा था कि अच्छे लोगों को खुदा परीक्षा में बहुत डालता है, अच्छे लोगों की खुदा परीक्षा बहुत लेता है, भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। होप रखिए, आशा रखिए, और बुरे लोगों को भगवान देता बहुत कुछ है पर साथ कभी नहीं देता। इसलिए अच्छे कर्म करिए ताकि अच्छे कर्म लौट के ही आपके पास आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कहानी फिर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए।